मिस्टर बीस्ट, अ यूट्यूबर हु एवरेजेस 100 मिलियन व्यूज पर वीडियो, वो अपने थंबनेल्स पर थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स स्पेंड करते हैं। Can you tell them what you invest per thumbnail? We probably spend around $5,000 to $10,000 a thumbnail, just making sure we get the right image and. Not just this. Recently, उन्होंने बताया कि वो एक वीडियो के लिए literally almost 20 thumbnails बनाते हैं। You might be thinking, why is he so obsessed with thumbnails? Well, it's because तुम पूरे YouTube पर best video भी बना लो, अगर thumbnail खराब है, then उस पे कोई click नहीं करने वाला. Which means less CTR, less impressions and hence less views. And yet, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि एक अच्छा thumbnail कैसे बनाते हैं, जिसके वजह से उनका CTR बहुत कम होता है. So welcome to the YouTube Thumbnail Masterclass. इस वीडियो में हम mainly तीन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं. पहला है design aspect, मतलब thumbnail design wise कैसा होना चाहिए. दूसरा होगा स्टोरी एस्पेक्ट, जहां हम वायरल थंबनेल्स के आइडियाज के कोर कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एंड आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन अ गुड एंड अ ग्रेट थंबनेल। और एंड में होगा एक क्विक ट्यूटोरियल, जहां मैं सिखाऊंगा कि तुम अपने स्मार्टफोन पर ऐसे थंबनेल्स कैसे बना सकते हो। बहुत मजा आएगा, सो लेट्स बिगिन। सो अपने थंबनेल को डिजाइन करते वक्त सबसे पहली और बेसिक चीज जिसका तुम्हें ध्यान रखना है, वो है टू प्रायोरिटाइज द फोकस। यू नीड टू थिंक कि वीडियो का फोकस क्या है, और फिर उस चीज को अपने थंबनेल में ज्यादा स्पेस देना है और सेंटर ऑफ अटेंशन बनाना है। Like, अगर वीडियो स्मार्टफोन रिव्यू है, तो थंबनेल में ज्यादा स्पेस स्मार्टफोन का पिक्चर ऑक्यूपाई करेगा इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट या अदर एलिमेंट्स। बहुत बेसिक सी बात है कि थंबनेल में जो चीज ज्यादा स्पेस लेता है, ध्यान पहले उसी की तरफ जाता है, तो इसका ध्यान रखना। अगर थंबनेल में अपना फेस यूज करते हो, तो रिमेम्बर कि वो पूरे फ्रेम का सिर्फ 1/3 हिस्सा ऑक्यूपाई करे, और बाकी के 2/3 हिस्से में वीडियो से रिलेटेड जो भी इमेजेस, टेक्स्ट, एलिमेंट्स है, वो सब हो। नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज टेक्स्ट एंड फॉन्ट। YouTube पे मैक्सिमम कस्टम थंबनेल्स में टेक्स्ट होता ही है, बट द सैड थिंग इज कि ज्यादातर लोग उसे गलत तरीके से यूज करते हैं। टेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो सकता है, जो तुम्हें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कन्वे करने में मदद करेगा, बट यू नीड टू यूज इट विद एन एलिमेंट। ट्राई करो कि वर्ड्स कम हो और टेक्स्ट का साइज बड़ा हो, सो दैट इट्स इजीली रीडेबल। टेक्स्ट का साइज सेलेक्ट करते वक्त याद रखना कि जो वर्ड बड़ा रहेगा, उस पे एम्फेसिस ज्यादा होगा, तो हमेशा पावर वर्ड्स को बड़ा रखना। बात करें फॉन्ट्स की, तो यू नीड टू मेक श्योर कि जो भी फॉन्ट सेलेक्ट करो, वो एटलीस्ट रीडेबल तो होना ही चाहिए। सो कुछ ज्यादा फैंसी मत सेलेक्ट कर लेना, जिससे पढ़ने में ही लाइक 5 सेकंड लग जाए। ऑल्सो तुम्हारा फॉन्ट पूरे थंबनेल का वाइब और जो इमोशन तुम कन्वे करते हो, उसे डिसाइड करेगा। Like, अगर वीडियो फिटनेस रिलेटेड है, तो ऑफ कोर्स ऐसा कर्सिव फॉन्ट तो यूज नहीं करोगे ना। यू विल हैव टू यूज समथिंग बोल्ड, जो फिटनेस से रिलेटेड वाइब्स देता हो। ज्यादातर फॉन्ट्स को हम इन दो में से किसी एक कैटेगरी में डाल सकते हैं। सेरिफ फॉन्ट्स में लेटर्स एक स्ट्रोक के साथ टर्मिनेट होते हैं, whereas सैंस सेरिफ में ऐसा नहीं होता। सेरिफ फॉन्ट्स बहुत ही फॉर्मल और क्लासी वाइब्स देते हैं, वहीं सैंस सेरिफ फॉन्ट्स आर गुड टू एक्सप्रेस मॉडर्न, सिंपल एंड फन इमोशंस। तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम अपने ओवरऑल ब्रांड से किस टाइप की फीलिंग कन्वे करना चाहते हो, और उसके हिसाब से आइदर गो फॉर सेरिफ और सैंस सेरिफ। अब वीडियो में आगे एक ऐसे वेबसाइट का नाम भी बताऊंगा, जहां से तुम बेस्ट फॉन्ट्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। बट फॉर नाउ लेट्स टॉक अबाउट कलर्स। कलर्स चूज करते समय मन में बस इतना रखना है कि तुम्हारी वीडियो YouTube के बाकी वीडियो से कम्पीट करने वाली है व्यूअर का अटेंशन ग्रैब करने के लिए। सो ऐसे में इट्स बेस्ट टू यूज ब्राइट कलर्स जो स्क्रीन पे पॉप करे। वो ब्राइट कलर्स चाहे इमेजेस में हो, टेक्स्ट में हो, या फिर इन द फॉर्म ऑफ ब्राइट एलिमेंट्स। अब मैंने अपने ऑडियंस से पूछा था कि थंबनेल्स बनाते वक्त तुम्हें कौन सी प्रॉब्लम आती है, तो मैक्सिमम लोगों ने कहा कि दे फेस प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग कलर कॉम्बिनेशन। तो सही कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करने के लिए यू कैन यूज समथिंग कॉल्ड द कलर व्हील। इसे तुमने कभी ना कभी तो देखा ही होगा। एक कलर व्हील में जो कलर्स एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, उन्हें बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। लाइक रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो जाएगा ग्रीन, ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ब्लू, एंड येलो का कॉम्प्लीमेंट है पर्पल। तो ये एक फैक्ट है कि जब भी तुम कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को साथ में यूज करोगे, यू विल सी कि तुम्हारा डिजाइन बहुत ही विजुअली अट्रैक्टिव एंड ब्राइट होगा। फॉर एग्जांपल, यू कैन सी यहाँ पर ध्रुव राठी एंड एल्ग्रो के थंबनेल्स में रेड एंड ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन का यूज किया गया है, बिकॉज ऑफ विच दे लुक ब्राइट एंड पॉप ऑन स्क्रीन। अगर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स नहीं भी यूज कर रहे हो, तो एटलीस्ट कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स का यूज जरूर करो। मतलब अगर बैकग्राउंड डार्क है, तो टेक्स्ट और बाकी एलिमेंट्स लाइट होंगे, एंड वाइस वर्सा। एंड इस टाइप से तुम अपने थंबनेल्स के टेक्स्ट, एलिमेंट्स और बैकग्राउंड्स के लिए सही कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकते हो। तो अब क्योंकि हमने फॉन्ट्स एंड कलर्स के बारे में बात कर लिया है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्रांड कंसिस्टेंसी। अगर तुम किसी चैनल पे जाओगे जिसके थंबनेल्स कंसिस्टेंट हैं, मतलब दे हैव द सेम लुक एंड फील, तो वैसे चैनल पेजेस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं कंपेयर्ड टू अदर्स। कंसिस्टेंट थंबनेल्स का एक और फायदा ये भी है कि व्यूअर्स कैन रिकॉग्नाइज योर वीडियो इजीली, जिससे उनका डिसीजन टाइम रिड्यूस हो जाएगा व्हाइल क्लिकिंग ऑन योर वीडियोस। सो ब्रांड कंसिस्टेंसी अचीव करने के लिए यू मेनली नीड टू हैव द सेम फॉन्ट एंड सेम कलर थीम अक्रॉस ऑल योर थंबनेल्स। Like for example, currently मैं अपने चैनल के लिए ब्लैक बैकग्राउंड यूज करता हूँ विथ व्हाइट और ग्रीन टेक्स्ट, और फॉन्ट भी सेम रहता है क्रॉस एवरी थंबनेल, दैट इज यूनिसेंस फॉन्ट, एंड दैट इज वाई सारे थंबनेल्स इतने कंसिस्टेंट लगते हैं। तो इस टाइप से तुम भी अपने चैनल के लिए एक थीम सेलेक्ट कर सकते हो। अब फाइनली डिजाइन एस्पेक्ट में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात कर लेते हैं।
नंबर वन, रिमूव एनी यूजलेस डिटेल्स एंड एलिमेंट्स। लोगों का अटेंशन स्पैन वैसे ही बहुत कम होता है, सो उन्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। ट्राई करो कि बेकार की चीजों को रिमूव कर दो जो थंबनेल में कोई वैल्यू एड नहीं कर रहे हैं। नंबर टू, राइट अलाइनमेंट। इस थंबनेल में सब कुछ परफेक्ट है, बट अलाइनमेंट गलत होने की वजह से बहुत वेस्ट स्पेस क्रिएट हो गया है, विच लुक्स वेरी बैड। सो अलाइनमेंट हमेशा सही रखो। एंड नंबर थ्री, ऑप्टिमाइज योर थंबनेल फॉर ऑल डिवाइसेस। रिमेंबर कि तुम्हारा थंबनेल छोटे बड़े हर टाइप के डिवाइस पे देखा जाने वाला है। सो कुछ वेबसाइट्स हैं लाइक thumbnailpreview.com, जहां पे तुम देख सकते हो कि थंबनेल अलग अलग डिवाइस पे कैसा लगेगा और फिर उसके हिसाब से नेसेसरी चेंजेस कर सकते हो। ओके, लेट्स एक वीडियो है हाउ टू गेट मोर व्यूज और उसका थंबनेल है ये। तुम देख रहे हो कलर्स का सही यूज किया गया है, फॉन्ट भी वीडियो के हिसाब से परफेक्ट है और फेस भी थंबनेल के 1/3 हिस्से में है। सो डिजाइन वाइज ये थंबनेल 10/10 है, बट द क्वेश्चन इज कि क्या ये थंबनेल क्लिकेबल है? आंसर इज नो। वहीं जरा इस थंबनेल को देखो, सिंपल बैकग्राउंड, सिंपल टेक्स्ट एंड सिंपल एलिमेंट्स। डिजाइन वाइज तो इस पे पहले वाले से कम मेहनत है, बट ये पहले वाले थंबनेल के कंपैरिजन में 10 टाइम्स मोर क्लिकेबल है। व्हाई? बिकॉज इट टेल्स अ स्टोरी। वीडियो हाउ टू गेट मोर व्यूज के बारे में ये तो हमें टाइटल से भी पता चल रहा है। सो द क्वेश्चन इज व्हाई शुड यू रिपीट द सेम इन्फॉर्मेशन इन योर थंबनेल? एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, डिफरेंस बिटवीन अ गुड एंड अ ग्रेट थंबनेल। अ गुड थंबनेल सिंपली इन्फॉर्म्स द व्यूअर व्हाट द वीडियो इज अबाउट, वेयर एज अ ग्रेट थंबनेल टेल्स अ स्टोरी। इसका पहला एग्जाम्पल खुद यूट्यूब के वेबसाइट पर है, जहां उन्होंने वीसॉस के वीडियो का एग्जाम्पल लिया है। देख रहे हो टाइटल है दिस इज नॉट येलो और थंबनेल में पूरा येलो कलर ही है। इससे एकदम से मन में क्वेश्चंस आने लगते हैं, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हिच मेक्स अस क्लिक। सिमिलरली मिस्टर हूज द बॉस की ये वीडियो, व्हाट यू डिडंट नो अबाउट Xiaomi, इसके थंबनेल को भी देखकर मन में क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि Xiaomi का एप्पल से क्या कनेक्शन होगा, विच इज वाई दिस थंबनेल इज वेरी क्लिकेबल। अब अगर इसके थंबनेल में सिर्फ Xiaomi का लोगो होता और लिखा रहता व्हाट यू डिडंट नो अबाउट Xiaomi, तो डिजाइन एस्पेक्ट सही होने के बाद भी थंबनेल क्लिकेबल नहीं होता बिकॉज ऑफ मिसिंग द स्टोरी फैक्टर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं फ्रॉम Ryan Trahan, हिज वीडियो आई सर्वाइव द वर्ल्ड्स लाउडेस्ट रूम हैज दिस थंबनेल। थंबनेल देखते ही मन में एक स्टोरी बन जाती है कि उन्हें वर्ल्ड्स लाउडेस्ट रूम में बैठे सिर्फ 36 सेकंड्स ही हुए एंड ही इज बिगनिंग टू फील क्रेजी। सो द पॉइंट दैट आई वांट टू मेक हियर इज कि जो इन्फॉर्मेशन टाइटल में ऑलरेडी विजिबल है उसे थंबनेल में रिपीट करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी क्रिएटिविटी लगाओ, एक्सप्लोर करो और फाइनली टाइटल एंड थंबनेल को ऐसे यूज करो कि मिलके वो एक स्टोरी क्रिएट करे व्यूअर्स के माइंड में। और इसके एग्जांपल्स यूट्यूब के लिटरली हर कोने में भरे पड़े। एग्जांपल के लिए इस वीडियो के थंबनेल को ही ले लो, सिंपली लिख सकता था हाउ टू मेक अ गुड थंबनेल बट नहीं किया। क्यों? बिकॉज दैट वे इट वुडंट हैव बीन क्लिकेबल। एक फाइनल एग्जांपल लेते हैं फ्रॉम Algro ऑफ हिज वीडियो हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब इन 2022। सबको पता है यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए वीडियो को शेयर करना पड़ता है स्टार्टिंग में, और थंबनेल में क्लियरली लिख दिया है नेवर शेयर वीडियोस। तो यहाँ भी टाइटल और थंबनेल मिलके व्यूअर्स को एक स्टोरी, एक शॉक वैल्यू डिलीवर कर रही है। सो देयर इज नॉट वन फिक्स्ड वायरल थंबनेल आइडिया जो तुम अप्लाई कर दोगे और वायरल हो जाओगे, देयर इज लिटरली अ होल यूनिवर्स ऑफ देम। और हर नीश के हिसाब से रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है, तो तुम्हें थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा कि टाइटल एंड थंबनेल में ऐसा क्या करें जिससे एक परफेक्ट स्टोरी क्रिएट हो। ओके, सो अब देख लेते हैं कि तुम ऐसे अट्रैक्टिव थंबनेल्स अपने फोन पर कैसे बना सकते हो। सो फोन पे बहुत सारे एप्स होते हैं विच आर रियली गुड फॉर मेकिंग थंबनेल्स लाइक PixArt, Canva, Pixel Lab एक्सेट्रा, बट मेरा फेवरेट इसमें से Pixel Lab है बिकॉज वो सबसे इजी टू यूज है और बहुत फीचर्स भी है उसमें। तो ट्यूटोरियल के लिए हम Pixel Lab का यूज करेंगे। फॉन्ट्स के लिए जो वेबसाइट मैं यूज करता हूँ उसका नाम है dafont.com। जो भी फॉन्ट्स तुम देखते हो मेरे वीडियोज में, थंबनेल्स में, वो सब मैं यहीं से डाउनलोड करता हूँ। यहाँ पे ऊपर में देखो कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो वहाँ पे हर कैटेगरी का फॉन्ट मिल जाएगा तुम्हें। लाइक मेरे थंबनेल जैसा फॉन्ट चाहिए तो सैंस सेरिफ पे क्लिक कर दो तो यहाँ बहुत सारे फॉन्ट्स आ जाएंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ मोर ऑप्शंस के नीचे 100% फ्री पे क्लिक कर देना, ताकि जो भी फॉन्ट्स आए वो सभी फ्री टू यूज हो यूट्यूब के लिए। अब देखो थंबनेल में ध्रुव भाई के फेस पे कार्टून इफेक्ट दिया है मैंने, तो उसे तुम टूनमी से कर सकते हो, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पे तुम्हें बस पिक्चर अपलोड करना है और वो कार्टून में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे तुम अलग अलग वर्जन सेलेक्ट कर सकते हो और जो फाइनली पसंद आए उसे डाउनलोड कर सकते हो टू यूज इन योर थंबनेल्स। अब ऑफ कोर्स इसका हमें PNG चाहिए होगा थंबनेल में यूज करने के लिए, सो ये तुम किसी भी फ्री बैकग्राउंड रिमूवर से कर सकते हो। जो मैं यूज कर रहा हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो थंबनेल बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें Pixel App पे आ जाना है, ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करके और इमेज साइज पे जाके विड्थ 1280 और हाइट 720 पिक्सल सेलेक्ट कर लेना है। ऑल्सो लेट अस डिलीट दिस टेक्स्ट। उसके बाद नीचे के मेन्यू के 4th ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो तुम्हें बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से या तो एक कलर या एक ग्रेडियंट सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। यू कैन इवन मेक न्यू ग्रेडियंट्स, तो एक रेड ब्लैक ग्रेडियंट बना लेते हैं बैकग्राउंड के लिए।
फिर उसके बाद गैलरी से कोई इमेज लाना है तो ऊपर प्लस आइकॉन है उस पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है और फिर जो भी इमेज इम्पोर्ट करना है कर सकते हो। लाइक आई हैव इम्पोर्टेड दिस पीएनजी ऑफ ध्रुव राठी। अब इस पीएनजी का साइज वगैरह एडजस्ट करके सही जगह कर लेना लाइक दिस। फिर नीचे वाले मेन्यू के थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से तुम इस पीएनजी को कस्टमाइज भी कर सकते हो। देख रहे हो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो मुझे इस पीएनजी पे ग्लो इफेक्ट डालना है तो उसके लिए मैं शैडो वाले ऑप्शन पे जाऊंगा और इसे इनेबल कर दूंगा। एंड नाउ यू कैन सी कि एक ग्लो इफेक्ट आ चुका है इस पीएनजी के ऊपर। फिर इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं, तो मैं कलर रेड, ब्लर रेडियस को 25, ऑफसेट एक्स को 2 और ऑफसेट वाई को -2 कर दूंगा। तुम अपने हिसाब से सेटिंग्स देख लेना एंड आई विल चेक दिस। फिर उसके बाद टेक्स्ट ऐड करने के लिए मैं टेक्स्ट ऑप्शन पे जाऊंगा और प्लस पे क्लिक करूंगा। फिर जो भी लिखना है लिख सकते हो, तो पहले आई विल राइट रियल। फिर फॉन्ट सेक्शन में जाके बहुत सारे फॉन्ट्स हैं तो उसमें से चाहो तो सेलेक्ट कर सकते हो कोई, अदरवाइज माई फॉन्ट्स वाले सेक्शन में जाकर तुम खुद से फॉन्ट्स ऐड कर सकते हो। तो मेरे पास पहले से एक फॉन्ट इम्पोर्टेड है यूनिसेंस इटैलिक जो कि मैं अपने थंबनेल्स में यूज करता हूँ, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूंगा। फिर इस टेक्स्ट को हम कॉपी करेंगे और इसे एडिट करके जीनियस बना दिया मैंने लाइक दिस। फिर यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर देते हैं इसे। और यहाँ मुझे जीनियस वर्ड पे एम्फेसिस डालना है तो मैं इसका साइज बड़ा कर दूंगा। ओके, अब मुझे यहाँ पे एक एरो डालना है, तो उसके लिए या तो तुम खुद से एरो ड्रॉ कर सकते हो इफ यू वांट, या फिर पिक्साबे या फ्रीपिक जैसे वेबसाइट्स पर भी तुम्हें हर तरह के वेक्टर्स मिल जाएंगे, तो वहां से डाउनलोड कर लेना। तो अभी मैं ऊपर प्लस पे क्लिक करके ड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा एंड नाउ आई कैन ड्रॉ एन एरो। And then click on to back so that वो सभी elements के नीचे चल जाए। फिर मेरे पास gallery में screenshot है social blade का, तो इसे भी मैं add कर दूंगा like this। फिर उसके बाद 3D rotate पे जाके इसे थोड़ा 3D look दे देंगे। And इस पे भी glow effect डाल देते हैं। एक social blade का screenshot है तो वो भी add कर दूंगा। And then click on to back so that वो सभी elements के नीचे चल जाए and इसका opacity भी कम कर देना। Also color filters में जाकर brightness को -100 and contrast को 0 कर देते हैं। और finally ऊपर तीन dots पे क्लिक करके export image पे क्लिक करना है, dimensions में very high select कर लेना और finally save to gallery पे क्लिक कर देना। And there we go, बस कुछ minutes में हमने एक high quality, attractive and clickable thumbnail अपने smartphone पर बना लिया। So अगर यहाँ तक आ गए हो तो